नमस्ते बच्चों, मैं आपकी गृह विज्ञान विषय की अध्यापिका मनीषा गौतम आज आपको आपकी गृह विज्ञान की पुस्तक का पाठ 26 कढ़ाई कला पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए बच्चों, कढ़ाई कला, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कढ़ाई कला कितनी महत्वपूर्ण है एक स्त्री के लिए, एक बालिका के लिए, और कढ़ाई कला वर्तमान समय में भी बहुत प्रचलित है और इसके कारण कई महिलाएं अपनी जीविका को भी आसानी से चला सकती हैं। तो देखिए बच्चों, इस पाठ को शुरू करने से पहले इसके मुख्य बिंदु एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला है कढ़ाई कला का आशय, उसके बाद है कपड़े पर नमूना उतारने की विधियां, उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे कढ़ाई के विभिन्न नियम, रंगीन धागों के प्रयोग में ध्यान रखने योग्य बातें, क्रोशिया एवं तारकशी। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं कढ़ाई कला का आशय। मीनिंग ऑफ एम्ब्रॉयडरी आर्ट। सिलाई कढ़ाई शब्द व्यवहार तथा क्रियात्मक रूप से संयुक्त शब्द लगते हैं। वास्तव में ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। सिलाई के बिना कढ़ाई की तथा कढ़ाई के बिना सिलाई की सुंदरता अधूरी है। यही कारण है कि सभी लोग कढ़ाई के वस्त्रों को पसंद करते हैं। जिस प्रकार स्त्री पर आभूषण सुंदर लगते हैं, उसी प्रकार कढ़ाई वस्त्रों की सुंदरता में चार चांद लगा देती है। इस प्रकार सुई तथा रंगीन धागों की सहायता से कपड़े पर छपे नमूनों को, फूल पत्तियों एवं डिजाइनों आदि को प्राकृतिक रंगों के माध्यम से विभिन्न टाकों की सहायता से काढ़ना, जिससे वे सजीव हो, कढ़ाई कला कहलाती है। कढ़ाई करने के लिए सबसे पहले वस्त्रों पर नमूना उतारना पड़ता है। नमूने छापने के लिए निम्नलिखित सामान की आवश्यकता होती है। तो देखिए बच्चों, इस पैराग्राफ में बताया गया है कि कढ़ाई, सिलाई के बिना कढ़ाई अधूरी है और कढ़ाई के बिना सिलाई अधूरी है। जिस प्रकार से एक स्त्री पर आभूषण अच्छे लगते हैं, उसी प्रकार एक सादे कपड़े पर एक प्लेन कपड़े को अगर कढ़ाई के द्वारा सज्जित कर दिया जाए तो उसकी सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं। तो कढ़ाई पर, कढ़ाई करने से पहले क्या बनाया जाता है, उस कपड़े पर नमूना बनाया जाता है। तो नमूना कैसे बना सकते हैं, कागज के द्वारा, समतल मेज के द्वारा, कपड़ा, कार्बन पेपर, ड्राइंग पेन, ड्रेसिंग पेपर, नुकीली पेंसिल, नील आदि के माध्यम से नमूना तैयार किया जाता है। अब पढ़ेंगे बच्चों हम कपड़े पर नमूना उतारने की विधियां। सबसे पहला है कार्बन पेपर द्वारा नमूना उतारना। नमूना छापने की यह विधि सबसे ज्यादा प्रचलित है। बाजार में कार्बन पेपर लाल, गहरे नीले, काले तथा पीले आदि रंगों में मिलते हैं। जिस रंग के कपड़े पर जिस रंग के कार्बन पेपर से स्पष्ट नमूना उतारना संभव होता है, उस पर उसी रंग का कार्बन पेपर प्रयोग करते हैं। कार्बन पेपर से छापने की विधि यह है कि पहले तख्त पर कपड़ा बिछाते हैं, फिर उस पर पलटकर कार्बन पेपर रखते हैं और इसके ऊपर डिजाइन वाला कागज रखते हैं। अब तीनों को ड्राइंग पेन से टाक देते हैं, फिर डिजाइन पर हल्के हाथ से पेंसिल फेरते हैं, नीचे डिजाइन उतार आता है। पेंसिल पर हाथ का ऊपर से अधिक दबाव नहीं डालना चाहिए। अगर क्यों नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अगर हम ज्यादा दबाव डालेंगे तो वो कार्बन पेपर का जो भी कलर है वो कपड़े पर आ जाएगा। इसीलिए हल्के हाथों से कपड़ा पर नमूना बनाना चाहिए। आगे बच्चों, छेदों की सहायता से छापना। ये नमूने पतले चिकने कागज पर छेदों द्वारा बनाए हुए बाजार में मिलते हैं। इस प्रकार के बने हुए नमूनों को छापने के लिए नमूने का कपड़े पर रखकर ऊपर से रुई को स्पिरिट में भिगोकर फिर उस पर नील लगाकर फेरा जाता है। ऐसा करने से छेदों द्वारा नील नीचे निकलकर नमूने की आकृति कपड़े पर बना देते हैं। तो मार्केट में आपने देखा होगा बच्चों कि बहुत सारे छापने वाले पेपर आते हैं, जो व्हाइट पेपर होते हैं, उन्हें क्या करते हैं, पहले एक कपड़ा लेते हैं, प्लेन कपड़ा लेते हैं, फिर उसके ऊपर वह पेपर रखते हैं और स्प्रिट में भिगोकर रुई को उस पेपर के ऊपर फेरते हैं और नील की सहायता से उस पेपर का जो डिजाइन होता है वो कपड़े पर आ जाता है।
अब है बच्चों कांसे के कटोरे से छापने की विधि। नमूने छापने की यह विधि काफी प्राचीन है। इसमें कपड़े के ऊपर कड़े हुए नमूनों को उलट रख दिया जाता है और फिर किसी कांसे के बर्तन की तली पर हल्की सी चिकनाई लगाकर नमूने के ऊपर रगड़ा जाता है। कड़ा हुआ नमूना नीचे कपड़ों पर जो का त्यों उतर आता है। तो यह विधि भी बहुत प्राचीन है बच्चों। यह भी कपड़े के ऊपर रखकर करी जाती है। अब है फोर्थ अक्ष द्वारा। यह विधि बहुत हल्के जैसे वायल लोन या मलमल आदि पर ऊपर नमूना छापने वाले कपड़े को रखते हैं। कपड़ा हल्का होने के कारण नीचे से नमूना स्पष्ट दिखाई पड़ता है। अब पेंसिल या पेन से नमूने को कपड़े के ऊपर उतार लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें छापने की जो वस्तु होती है वो नीचे रखी जाती है और हल्के कपड़े को ऊपर रखा जाता है। तो हल्के कपड़े में से वो नीचे का डिजाइन स्पष्ट दिखाई देता है और पेंसिल की सहायता से उसे ड्रॉ कर लिया जाता है। अब है नमूने के पीछे गेरू लगाकर। इस विधि में पहले नमूने के पीछे की ओर पानी में गेरू मिलाकर पोत देते हैं और सुखा लेते हैं। अब नमूने के पीछे गेरू की ओर वाला भाग कपड़े पर रखकर नमूने के ऊपर पेंसिल चलाते हैं। नीचे नमूना गेरू के कारण छप जाता है। तो ये देखे बच्चों, ये सभी प्रकार के नमूने थे जो आपने आज पढ़े हैं। अब है बच्चों कढ़ाई के विभिन्न नियम। कढ़ाई हेतु विभिन्न छोटे बड़े नमूने बनाए जाते हैं। उन्हें काटने के साधारण नियम निम्नवत है। सबसे पहला है कढ़ाई रुमाल, फ्रॉक, मेजपोश, शिफ्ट, चादर आदि विभिन्न वस्त्रों पर की जाती है। अतः छोटे अथवा बड़े वस्त्र के अनुरूप ही नमूना लेना बुद्धिमानी होगी। चादर पर छोटे बूटे शोभा नहीं देंगे। अगर देखिए बच्चों, कपड़े के अनुरूप ही हमें बूटे छापने चाहिए। अगर हम कपड़ा बड़ा ले रहे हैं और नमूना छोटा ले रहे हैं तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो हमें क्या करना है, हमें कपड़े के अनुरूप ही नमूना लेना पड़ता है, तभी कपड़े की सुंदरता में वृद्धि होगी। सेकंड है, वस्त्र पर नमूना स्पष्ट छापना चाहिए। टेढ़े मेढ़े नमूनों कढ़ाई करने पर भी अच्छे नहीं लगते। तो नमूना जो कपड़े पर छापे उस पर ध्यान पूर्वक छापे और स्पष्ट रूप से छापे, वरना कढ़ाई उस पर अच्छी नहीं लगेगी। जब कढ़ाई आरंभ करे तो पहले ही उसमें लगने वाले रंगों का निर्धारण कर लेना चाहिए। भाई कढ़ाई कौन से रंग से करनी है, फूल कौन से रंग से बनाने हैं, डंडी कौन से रंग से बनानी है, पत्तियां कौन से रंग से बनानी है, ये सब आपको माइंड मेकअप पहले से करना होता है कढ़ाई करने से पूर्व। फोर्थ है, नमूने में सदैव स्वाभाविक रंग लगाने चाहिए। जैसे फूल बनाने हो तो लाल, पीले अथवा उनके प्राकृतिक रंगों का चयन करना चाहिए। पत्तियां हरे रंग में काटनी चाहिए। तो प्राकृतिक रंगों का अधिक प्रयोग करना चाहिए। जो फूल जिस रंग का होता है या जो पत्ती जैसे रंग की होती है उसी को ही कपड़े पर बनाना चाहिए। फिफ्थ है, सुई में डोरा डालना चाहिए जिससे काटते समय उसके उलझने की संभावना ना रहे। तो डोरा यानी कि लंबा डोरा डालना चाहिए जिससे वो उलझे ना। रंगीन धागों के प्रयोग में ध्यान रखने योग्य कुछ बातें। रंगीन धागों से कढ़ाई के पहले कुछ आवश्यक बातों पर ध्यान देने से कढ़ाई अच्छी होगी एवं कढ़ाई में आकर्षक एवं निखार आएगा। तो सबसे पहले उसका पढ़ लेते हैं बच्चों। कढ़ाई करते समय सफाई का विशेष ध्यान रखे। तो जब भी आप कढ़ाई करें तो उस पर विशेष ध्यान रखिए साफ सफाई का। आपके हाथ गंदे नहीं होना चाहिए और जहां आप कढ़ाई कर रहे हैं वहां का स्थान भी साफ होना चाहिए। उसका कारण ये है कि अगर आपके हाथ गंदे होंगे या जहां पर आप कढ़ाई कर रहे होंगे वो स्थान गंदा होगा तो आपके धागे और कपड़ा भी गंदा हो सकता है, जिससे कढ़ाई अच्छी नहीं लगेगी। सेकेंड है, किसी जानवर वाले डिजाइन काटते समय उन्हीं रंग के धागों का प्रयोग करें। प्राकृतिक रूप में जो रंग उस जानवर का है, जैसे खरगोश बनाना है तो उसके लिए सफेद धागों का प्रयोग करना चाहिए। कढ़ाई में सजीवता आएगी। तो इससे क्या आती है, जिस जानवर का कलर जैसा है वैसा ही हमें एम्ब्रॉयडरी में भी उपयोग करना चाहिए, अन्यथा हमारी एम्ब्रॉयडरी अच्छी नहीं लगेगी। थर्ड है, फूल पेड़ पत्तियों को काटते समय उन्हीं रंगों का प्रयोग करें जिन रंगों के फूल होते हैं। जैसे गुलाब के फूलों में पंखुड़ियां लाल रंग के धागों से, पत्तियां हरे रंग के धागों से तथा डंडी कत्थई रंग के धागों से काटी जाएगी। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि आपको समझाने का कि जिस
हमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि जैसी प्रकृति ने जो चीज बनाई है वैसे ही हमें एम्ब्रॉयडरी में भी बनानी चाहिए। फोर्थ है, प्राकृतिक डिजाइनों में प्रकृति के अनुसार ही रंगीन धागों का प्रयोग करें, अन्यथा कढ़ाई भद्दी दिखेगी। यदि आकाश आसमानी है तो आसमानी धागों का ही प्रयोग करना चाहिए। तो देखिए बच्चों, एम्ब्रॉयडरी करते समय प्राकृतिक रंगों का ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जो वस्तु जो चीज जिस रंग की है उसी रंग का हमें प्रयोग अपनी कढ़ाई में करना चाहिए, तभी हमारी कढ़ाई अच्छी लग सकती है और आकर्षक भी लग सकती है। तो देखिए बच्चों, आज हमने आपको इस पाठ का प्रथम भाग पढ़ा दिया है, इससे आगे का भाग हम आपको अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। यह वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।